नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 20,000 जीके का पांचवा पार्ट है ये, ठीक है। आज काफ़ी सारी चीज़ें लाए हूँ आपके लिए और ट्रिक्स के साथ लाए हैं, काफ़ी सारे पिक्स इंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने। चार पार्ट हो चुके थे, अभी तक पांचवा पार्ट है। देखिए, ये जो बुक है ये नीलेश कुमार जी की बुक है। ये है इस बुक का अगर फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, और ये इसके चार पार्ट बन चुके हैं, पांचवा आज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें अभी मैंने इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की अभी चल रही है हमारी। देखिए, शुरू में थोड़ी स्पीड धीरे है इसका, ये मतलब आप मत समझिएगा कि मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा। जब बोला है तो बोल दिया बस। और ये इंग्लिश वाली वर्जन के बाद हिंदी वाली भी नीलेश कुमार जी से बात हुई है, काम चल रहा है उस पर, बहुत ही जल्दी प्योर हिंदी में आने वाला है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें पहले आप समझ लो। तब तक सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्कॉलर ने सजेस्ट किया था कि तो अर्थ का ओरिजिन हुआ है वो गैस और डस्ट पार्टिकल से हुआ है, ये किसने किया था? ओ श्मिट ने, ठीक है, ओ श्मिट ने। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये जो आपकी फोर्सेस दी हुई हैं इनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है डायनामिक चेंजेस सरफेस ऑफ अर्थ में लाने के लिए। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट मूवमेंट और रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सब जो हैं ये टोटल मिला के डायनेमिक चेंजेस होते हैं। डायनेमिक चेंजेस देखिए उसमें अगर आप समझें तो सीजन का भी चेंज होता है, डे टू नाइट का वाला भी चेंज होता है, प्लस और भी काफ़ी सारे जो वेदर चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, सब कुछ, ये सब फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं एग्जाम में तो ज़्यादातर में आंसर उसका ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बोला था ये अर्थ जब ओरिजिनली थी तो एक ह्यूज लैंड मास था, उसको क्या बोलते थे? पेंजिया। देखिए, ये है पूरा अर्थ का इवोल्यूशन, ऐसे हुआ है। पहले अर्थ के जो आज कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। देखिए, पहले पूरा एक, ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब मिला के एक लैंड मास था, उसको बोलते थे पेंजिया। और एक पूरा ये जो ओशन था, जैसे आज है इंडियन ओशन हो गया, ठीक है, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, उस समय ऐसा नहीं था जब एकदम स्टार्टिंग हो रही थी, परमियन के टाइम पे। परमियन जो थी करीबन 250 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास। टोटल अगर आप अर्थ की एज देखेंगे तो टोटल कितनी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है। क्योंकि कुछ फैक्टर याद रखिए, लाइफ कब से एग्जिस्ट होना चालू? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से। तो तब था पेंजिया और ये था पेंथलासा, ठीक है। जो सी वाला पार्ट था, वाटर वाला पार्ट था, उसको बोल रहे थे पेंथलासा, और जो लैंड वाला पार्ट था पेंजिया। फिर ये बंटना चालू हुआ, नॉर्थ वाले को बोला गया लॉरेशिया और साउथ वाले को गोंडवाना लैंड, बीच में आ गया टेथिस सी, और फिर धीरे 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 प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आज जो पोजिशन है वो आ गई है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप याद रखिएगा, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ वाले पार्ट को। तो ये पिक इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दी ताकि आपको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डिंग जो होती है माउंटेन की वो किसकी वजह से होती है? ओरोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिनोमिना ने जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का उसको इन्फ्लुएंस किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ये ग्लेशियल साइकिल्स ने, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, और ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको ये पूरा मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉसिल, पहला फॉसिल जो है आपका एविडेंस आपको जो ये प्रूव कर रहा था कि लाइफ एग्जिस्टेंस है अर्थ पे, वो कब आया था? 3.5 बिलियन ईयर्स को, ये मैंने आपको बता दिया एकदम। थ्री मतलब ये देखिए, जो अर्थ की एज है वो करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स को है, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? देखो, 1 मिलियन में होते हैं 1 के बाद 6 जीरो, और बिलियन में हो गए 1 के बाद 9 जीरो, ठीक है। मतलब 1 लिखो और उसके बाद 9 जीरो लगा दो, वो होता है बिलियन। उसके बाद ग्रेट आइस रेज एज किससे रिलेटेड है, किस इपॉक से? ये है प्लिस्टोसिन से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है कई बार, ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। एज ऑफ डायनासोर अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ साल है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लिटिल आइस एज किसको बोलते हैं? देखिए, जो टोटल आपका लिटिल आइस एज आया था 1300 ईस्वी से लेके करीबन 1870 AD तक आया था, लेकिन जो ऑप्शन दिया था 1650 से लेके 1870 तक दिया था। आप लोग याद कर लीजिए कि जो लिटिल आइस एज है वो बोलते हैं 1300 से लेके 1870 AD तक। फिर नेक्स्ट है, इस पे कौन सा मेथड यूज करते हैं एज ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने में? यूरेनियम डेटिंग करते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसमें इक्विनॉक्स, देखिए ये वाला जो है ये फिगर आपको देखना बड़ा जरूरी है, एनसीईआरटी का फिगर है ये, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग भले ही बुक खरीदिए लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और आपको कोई अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ लेंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। इसमें पूरा जैसे अर्थ का जो साइकिल, ये पूरा रिवोल्यूशन हो रहा है सन के अराउंड, वो पूरा बताया गया है। देखिए, ये दो जो पोजीशन है, ये वाली और आपकी ये वाली, इनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। मतलब यहाँ पे डे और नाइट जो है वो इक्वल होता है,
और सन की जो रेज है आपकी इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जो ये वाला है आपकी पोजीशन, यहाँ पे समर सोल्स्टिस होता है, यहाँ पे जो आपकी सन की रेज होती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है डायरेक्टली, और जो यहाँ पे आपकी है ये विंटर सोल्स्टिस, यहाँ पे जो सन की रेज है आप ये समझ सकते हैं डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, ठीक है। देखिए ये मैं 6th क्लास की जो एनसीईआरटी मैंने वीडियो बनाया था उसमें पूरा समझा भी चुका हूँ, तो ये आप वहाँ से भी आपको याद ही होगा ये सब चीज़ें। सोल्स्टाइज किसको कहते हैं, जो भी नॉर्थ के रेफरेंस में लेते हैं हमेशा, ठीक है। समर सोल्स्टाइज का क्या मतलब हुआ कि नॉर्थ में अगर समर है तो ये समर सोल्स्टाइज हो गया, यहाँ पे 21 जून को पड़ता है करीबन, 21-22 जून को। और इस दिन क्या होता है कि जो नॉर्थ में डे है वो बड़ा होता है और साउथ में डे छोटा होता है, वैसे ये विंटर सोल्स्टाइज का क्या मतलब हुआ कि वो नॉर्थ में विंटर है इसलिए इसको विंटर सोल्स्टाइज बोलते हैं, करीबन 22 दिसंबर के आसपास होता है। ये दोनों पोजीशन हो गई इक्विनॉक्स। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रे डायरेक्टली पड़ रही है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है डायरेक्टली, यहाँ पे नॉर्थ में दिन बड़ा है, यहाँ पे नॉर्थ का दिन छोटा है, और वही पोजिशन होती है एग्जैक्टली अपोजिट साउदर्न वाले हेमिस्फेयर में। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए इक्विनॉक्स कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे ये आपकी एनसीईआरटी वाली में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे जो होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्थ वाले जो पोर्शन में, वो 21 जून को होता है और उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। यही वाली पोजीशन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है आपकी साउथ वाले में। और 22 दिसंबर को क्या होता है कि सन डे जो है आपकी वर्टिकली किस पे पड़ती हैं, आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो ये याद रखिएगा। और जो आपका समर वाले में 21 जून को क्या होता है, सन रे वर्टिकली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर पे, ठीक है। तो ये है आपका विंटर सोल्स्टिस, जिसमें जो समर होती है साउदर्न हेमिस्फीयर की उसमें ज़्यादा लंबे दिन होते हैं और शॉर्टर नाइट होती है, वही वाली कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट होती है आपकी नॉर्थ वाले में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो क्रिसमस मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो समर सीजन में मनाते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट जो सन की रेज हैं वो आपकी इक्वेटर पे मतलब पड़ती हैं इसलिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और इक्विनॉक्स में आपका डे और नाइट लगभग बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में नोट्स लाता रहता हूँ काफ़ी, ये बड़े ज़रूरी हैं आपके लिए। फिर उसके बाद आपका, तो ये वाला फिगर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए ज़रूरी था ये एक्सप्लेन करना इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गए थे हम लोग ये वाला, तो ये इक्विनॉक्स क्या होता है कि वो पीरियड है जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, कब कब होता है, 21 मार्च और 22-23 सितंबर को करीबन। किस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है। उसके बाद आप, ये मैंने बता दिया वैसे अभी, कि जो डे नाइट इक्वल होते हैं आपके उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, तभी तो इक्विनॉक्स हुआ ना वो, डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है बराबर होती है, 2 दिन होते हैं ऐसे 22-23 सितंबर और 20-21 मार्च। शॉर्टेस्ट डे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होगा, 22 दिसंबर को, मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि लॉन्गेस्ट डे कब होता है, 21 जून को, तो 21 जून को पड़ता है समर सोल्स्टाइस, और जो विंटर सोल्स्टाइस होता है वो 22 दिसंबर को होता है, तो वो वाला जो दिन होगा वो शॉर्टेस्ट होगा नॉर्थ में, क्योंकि बड़ा वाला समर सोल्स्टाइस में, ये समझ में आई ये बात कि नहीं। लॉन्गेस्ट डे होता है आपका 21 जून को नॉर्थ वाले में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ वाले में कौन सा होगा, 20-21 जून, लेकिन नॉर्थ वाले में शॉर्टेस्ट डे कौन सा होगा, जो साउथ वाले में लॉन्गेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, रिवर्स हो रहे हैं, तो वो सब बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। समर सोल्स्टाइस आपका पड़ता है 21 जून को, और क्योंकि मैंने बताया आपको सोल्स्टाइस जो है ये नॉर्थ वाले से ही रिफरेंस में लेते हैं। किस दिन में आपकी शेडो शॉर्टेस्ट होगी, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 21 जून ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिन सबसे बड़ा होगा, और आप अगर देखेंगे कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर आप भद्दर दोपहर में अगर आप जाएंगे तो शेडो थोड़ी सी छोटी सी होती है, फिर जैसे जैसे आप अगर आप शाम की तरफ मूव करेंगे तो आपकी शेडो बड़ी होती जाती है, तो ये एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है। लॉन्गेस्ट डे जो होता है साउथर्न हेमिस्फीयर का, ऑब्वियस सी बात है 22 दिसंबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिसमस मनाती है समर सीजन में। उसके बाद इसमें से पूछा है कौन सी नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ट्रॉपिकल ईयर है, लूनर मंथ है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका लैटिट्यूड, जिसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होगा सबसे, ठीक है, इक्वेटर में। डे और नाइट इक्वल कब होंगे, इक्वेटर के आसपास होंगे, अब मतलब ये पूरे साल अगर आप देखेंगे तो डे और नाइट इक्वेटर वाले एरिया में इक्वली होंगे। उसके बाद डे और नाइट इक्वल होंगे अगर आपके, तो सन रे कहाँ पे फॉल करेगी, वर्टिकली इक्वेटर पे, इक्विनॉक्स वाले जो दिन होते हैं वो वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें कि कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है, बी वाला ट्रू नहीं है, कि जो आपका जोन है मैक्सिमम टेम्परेचर को वो इक्वेटर के अराउंड लोकेटेड नहीं है, वो ऊपर है थोड़ा सा, मतलब ट्रॉपिक वाले एरिया में 20 डिग्री के आसपास है वो, उसके बाद हाँ 20-30 डिग्री के आसपास है, ठीक है, इक्वेटर पे नहीं है ये।
ये वाला एक्चुअली एक फिनोमिना है, ये अभी यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा फिनोमिना है ये वन लाइनर वाला हो रहा है, इसलिए ज्योग्राफी का जब मैं चैप्टर बताऊंगा तब बताऊंगा, उसमें 11th क्लास की चैप्टर का अभी करनी है। इनमें से इन सिटी का नाम दिया गया कौन सी नियरेस्ट इक्वेटर के, सिंगापुर है ऑब्वियस सी बात है। टाइम जब होता है समर सोल्स्टिस का नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो आपका लेंथ जो होता है आपका डे का 12 घंटे का होगा इक्वेटर पे। उसके बाद ये ब्रूनोई, कोलंबिया, केनिया, वेनेजुएला में इक्वेटर कहाँ से पास होती है। देखिए इक्वेटर को पास होने के लिए एक ट्रिक बना, ये जो ट्रिक है ये मैं पहले काफ़ी बना चुका हूँ कि शॉर्टेस्ट ट्रिक है आपको इक्वेटर के अराउंड जो कंट्री है उनको पास होने के लिए, ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अराउंड, ये सब ट्रिक मैं बना चुका हूँ। सबसे पहले बनाई थी मैंने ही, फिर उसको कॉपी कर करके आज यूट्यूब में हजारों वीडियो हैं ऐसे। तो इक्वेटर के अराउंड जो आपकी ट्रिक है वो क्या है, एशिया अगर आपको देखिए 13 कंट्री पास होती हैं इक्वेटर की, 3 कॉन्टिनेंट से। एशिया में जो पास होती हैं कंट्री उसकी ट्रिक है किम, और उसका नाम मतलब क्या है, किरीबाती और इंडोनेशिया और मालदीव। अफ्रीका की ट्रिक है SDG सक, वो अभी दिखा रहा हूँ, और साउथ अमेरिका में थ्री BCA, कॉन्टिनेंट्स ठीक है। दैट इज तो इसमें आप अगर देखेंगे ये देखिए ये है इक्वेटर और ये पास हो रही है, ये यहाँ पे क्या है किम है, अभी मैंने बताया तीनों का क्या क्या नाम है, किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव। ये अफ्रीका से पास हो रही है कंट्री, ये कौन कौन सी है आपकी, गैबोन है, कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उगांडा है, स्कीनिया है, साओ टोमो है, सोमालिया है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, SDG सक, क्योंकि अफ्रीका में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप समझ सकते हैं सक की मीनिंग तो आप जानते ही हैं, इतने आप स्मार्ट हैं ये। SDG मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो वहाँ पे सक कर रहे हैं, इसीलिए अफ्रीका आज भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तो इस SDG से क्या हो जाएगा, S से हो जाएगा सोमालिया, D से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, G से हो जाएगा गेबॉन। तो SDG हो गया, सक का क्या मतलब हुआ, S से हो गया साओ टोमो, U से हो गया उगांडा, K से केन्या, C से कॉन्गो मतलब SUCK, और ये BCE का क्या मतलब हो गया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ऐसे ही आप बाकी वाली ट्रिक भी देख लीजिएगा, तो ये आप प्री से पहले आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास हो रही है, कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कौन कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से। एक ज्योग्राफी पापा वीडियो बनाया है वो जरूर देख लेना आप। उसके बाद देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इक्वेटर से कौन कौन सी पास हो रही है, ये वाला अगर आपने ट्रिक समझ ली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे, ठीक है। वही फिर वो दिया हुआ है, टोटल लेंथ आपकी इक्वेटर की करीबन 40,000 किलोमीटर है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों जो किस कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, अफ्रीका से। ये बहुत ही रट लो इसको, ये पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ये। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार से को सेपरेट करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन UPSC में भी आया था, और ये UPSC में भी आ चुका है 2016 में, अगर आप देखेंगे तो UPSC में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद है आपका कि जो ये सन रेज होती हैं जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, तो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी नहीं पास होती है, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ज्योग्राफी पापा वीडियो है वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाला थोड़ा लंबा बनाएंगे, ये वाला थोड़ा शॉर्ट रह गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और देखिए हमारी वेबसाइट है ये, इसमें जरूर देखिएगा जाके, बहुत सारे फीचर हैं, काफ़ी सारे GK के पेज मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, आप जाके studyforcivilservices.com है इसका नाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।